हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कहने का मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप चाहे आप एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, नेवी एसएसआर डबल ए की तैयारी कर रहे हो, या फिर इसके अलावा रेलवे की तैयारी करो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो, जिसको VVI आप लोग बोलते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो टॉपिक है। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा, लिखा हुआ है खेल से संबंधित प्रश्न, मतलब खेल एवं खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूँ दोस्तों कि अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। ठीक है, और नोटिफिकेशन बिल को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे न्यू अपडेट्स जो हैं आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कौन प्लेयर की किस टीम में कितनी होती है। ठीक है, जैसा कि आपके जुबान पे रहता है हमेशा क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, तीनों क्या रहता है हमेशा जुबान पे रहता है, तो तीनों में कितने प्लेयर होते हैं, 11 11 11। ठीक है, क्रिकेट में भी 11, हॉकी में भी 11 प्लेयर, फुटबॉल में भी 11 प्लेयर, एक टीम की बात हो रही है। ठीक है, दोनों टीम की नहीं, दोनों टीम को मिला के 22 हो जाएंगे ना ये, लेकिन एग्जाम में एक ही टीम पूछता है, दोनों टीम ऐसा मत समझना, आपको 11 ही करना होगा आंसर। और बेसबॉल और खो खो की बात करें तो 9 प्लेयर होते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर लो बेसबॉल और खो खो के लिए। आपने गाना सुना होगा ना, बेबी को क्या पसंद है, बेस पसंद है। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है, बेस पसंद है। और बेबी आपके साथ कब तक है, जब तक खिलाओ पिलाओ, मतलब खो खो। ठीक है, खिलाओ पिलाओ खो खो, कहने का मतलब बेबी को बेस पसंद है लेकिन कब तक है आपके साथ, वो जब तक खाएगी पिएगी तब, अदरवाइज़ क्या बोल देगी, नो यू कैन गो। ठीक है, मतलब यहाँ से आप समझ रहे हो, रिलेट करो, बेबी को बेस पसंद है कब तक खिलाएंगे पिलाएंगे खो खो, तब तक, अदरवाइज़ नो, नो का मतलब नो। ठीक है, इस तरह से रिलेट करो, खो खो और बेस पसंद है, कितने खिलाड़ी हैं, 9 बेसबॉल में। फिर तीन नंबर देखो, कबड्डी में या फिर वाटर पोलो में, दोनों में 7-7 होते हैं। आपने देखा हो दोस्तों, कबड्डी जब खेलते हैं तो पूरे जोर शोर से खेलते हैं, लगता है कि किस पे टूट पड़ेंगे, और जब कोई प्लेयर एक तरह से दूसरे टीम की तरफ जाता है, क्या बोलता है, पहले मिट्टी को क्या करता है, वो थोड़ा सा चूम लेता है, बोलता है जय माता दी बोलो। ठीक है, तो वही बोलो क्या, पोलो, जय माता दी बोलो कबड्डी खेलते टाइम। वाटर पोलो में कितने होते हैं, 7 होते हैं, आपको ध्यान देने में। ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, बस याद करने के लिए मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ इधर उधर से, बाकी ये नहीं भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं, याद तो कैसे भी करने हैं, बट थोड़ा बहुत क्लू मिल जाता है, एक हिंट मिल जाता है तो अच्छी बात होती है। चलो चार नंबर देखो, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6 होते हैं, बास्केटबॉल 5, वॉलीबॉल 6। ठीक है, आपको इस तरह से याद करने होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अब बैडमिंटन, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस, यहाँ दोनों टेनिस टेनिस दिख रहा होगा, और बैडमिंटन, बैडमिंटन तो आप खेलते ही हो, एक या दो प्लेयर, देखते हो कि एक टीम में एक प्लेयर भी हो सकता है या फिर अपने एक साथ और रख सकते हो। ठीक है, एक या दो प्लेयर, ये तीनों में, बस दोनों टेनिस में, लॉन टेनिस हो या टेबल टेनिस हो और बैडमिंटन, तीनों में कितने, एक या दो प्लेयर होते हैं। ठीक है, एक टीम में एक भी खेल सकता है, एक टीम में डबल रख भी खेल सकते हैं हम लोग, है ना। साथ में देखो, रग्बी फुटबॉल में अभी तक ये देखो 15 प्लेयर होते हैं, इसे सबसे लास्ट में मैंने लिखा है, कितना, 15, रग्बी फुटबॉल में कितने, 15। तो ये तो दोस्तों हमारे हो गए कि कौन से, मतलब गेम में, मतलब कौन से स्पोर्ट में, कौन से खेल में कितने प्लेयर होते हैं वो। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ, मतलब किस खेल में कौन सा ट्रॉफी मिलता है, कौन सा कप मिलता है, ये टाइप कप नहीं है। चलो देखते हैं फुटबॉल में भाई कौन कौन सी मिलती है, मैं ये भी बताऊँगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, सारा नहीं रटना है। ठीक है, सारे एग्जाम में नहीं आते। फुटबॉल में कौन सी आती है, फीफा आती हैं, फीफा कप आती है, मैं पहले पढ़ दूं सारा, उसके बाद बता दूंगा कौन कौन याद करना। फीफा कप है, डुरंड कप है, रोवर्स कप है, सीजर्स कप है, सुबर्तो कप है, मर्डेका कप है, यूरो कप है, संतोष ट्रॉफी है। ठीक है, तो इसमें से आपको इंपॉर्टेंट है फीफा कप याद कर लो, डुरंड याद कर लो और संतोष ट्रॉफी याद कर लो, ये तीनों जो है एकदम कन्फर्म याद कर लो 100%। फीफा कप, डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी तीनों कहाँ मिलते हैं, फुटबॉल में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, फुटबॉल में। ठीक है, ये तीनों आपको याद कर लेंगे एकदम कंठस्थ एकदम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं हम हॉकी में कौन से मिलते हैं, हॉकी में आपको दो मिलते हैं ना, ये दोनों याद कर लो, आगा खान और पेटन कप, बेटन कप। ठीक है, आगन खान, आगा खान, ऐसे आए तो अभी तक एग्ज़ाम में मैंने बहुत बार सिर्फ आगा खान देखे हैं, बेटन कप मैंने अभी नहीं देखा, अब आपने देखा हो तो वो बात अलग है। आगा खान ऐसे हमेशा याद रखना, कहाँ मिलते हैं, हॉकी में मिलते हैं। ठीक है, और बेटन कप मिलते हैं हॉकी में। और क्रिकेट में देखो, सॉरी इसी का नाम गड़बड़ा रहा है, रणजी ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी है, एशिया कप है, एसीज कप है, विल्स ट्रॉफी है, ये सारे हैं। ठीक है,
और इन सब में आपको रणजी ट्रॉफी याद रखने होंगे, याद तो इसमें सारे रखने होंगे, इसमें बस मैं अगर नहीं भी आपको याद हो रहा तो ये दोनों को छाट सकते हो, बाकी ये तीनों मैंने एग्ज़ाम में देखा आते हुए इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, ठीक है। एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी मैंने तीनों देखा अभी तक, ये दोनों नहीं देखा हो सकता है आप देखे होंगे, ठीक है। आपको इसमें से इतने याद करने होंगे। फिर गोल्फ में देखो राइडर कप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात पूछा जाता है। फिर से एक और मिलता है कौन, वाकर कप, ये राइडर कप आप अच्छे से याद करो ना गोल्फ के लिए। फिर चार नंबर में देखो, चार में हमारा बैडमिंटन में, बैडमिंटन में थॉमस कप मिलता है, उबेर कप मिलता है। अभी ये दोनों मैंने एग्ज़ाम में अभी तक नहीं देखा है, ऐसे आप याद कर लेना। थॉमस कप, उबेर कप किस में मिलता है, बैडमिंटन में। और ये पोलो है ना, ज़रा इंपॉर्टेंट है, एजरा कप मैंने इसे दो बार देख लिया भाई, पोलो कौन सा है, एजरा कप, एजरा कप किस में मिलता है, पोलो में। और एक ब्रिज है कोई गेम है, होलकर ट्रॉफी मिलते हैं, ट्रॉफी मिलता है। चलो ये तो हमारे हो गए इतना, फिर हमारा लास्ट एक बचता है क्या, शब्द। तो इसमें बहुत कम मैंने आपको दिया, ठीक है, बिल्कुल भी फालतू नहीं दिया है, बस इतना है, छोटा सा आपको इतना ही, ऐसे मैं पूरा लिखते था ना तो जो एग्ज़ाम के व्यूज थे जो पूछे जाते वही मैंने दिया, ठीक है। चलो देखते हैं, ये गूगली तो पता ही है आप क्रिकेट में, चाइना मैन, सैंड्रिड, ये तीनों तो आपको पता ही है क्रिकेट से, ये और भी हैं, बट जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मैंने वही दिया है, क्रिकेट का तो बताना नहीं पड़ेगा आपको, याद होगा ये। और एक डी है, स्कूप है, ये हॉकी में पूछा जाता है, लेकिन डी सिर्फ हॉकी में ही नहीं, बिलियर्ड्स में भी पूछा जाता है। डी किस में पूछा जाता है, हॉकी और बिलियर्ड्स में भी पूछा जाता है। डी किस में मिलते हैं, हॉकी और बिलियर्ड्स में मिलते हैं, ठीक है। इसमें का डी याद कर लेना, किस में, हॉकी और बिलियर्ड्स, ये दोनों में इसको एक ही ऑप्शन रहेगा। फिर जो चेकमेट तो आपको पता होगा शतरंज मिलता है, चेकमेट। फिर से नाइट भी है, क्या मिलता है, शतरंज में मिलता है, ठीक है। फिर से क्यू है, क्यू ये बहुत बार पूछा गया है, क्यू तो डी तो मैंने बोल ही दिया। फिर से एक पॉट बिलियर्ड्स में, ये क्यू डी के बाद एक टी है, ये टी ऐसे, ये पांच नंबर में आप देखो, ये टी है, ठीक है, ये वाला टी को हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, टी, वो टी है, तो टी है, आयरन है, जिगर है, ये गोल्फ में मिलता है, ये तीनों भी आया, टी, आयरन, जिगर किस में मिलता है, गोल्फ में। तो दोस्तों ये सारे जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने दे दिया, ठीक है, अब आप पे डिपेंडेंट आप कितना याद करते हो, और आई थिंक आप स्क्रीन शॉट करके आपने रख लिया होगा, और या फिर वीडियो को फिर से स्टार्ट करके आप क्या करो, स्क्रीन शॉट करके मतलब थोड़ा थोड़ा भगा भगा के स्क्रीन शॉट करके रख लो, और जब फिर फुर्सत मिले, टाइम मिले, आप इसे एक बार देख लेना, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। तो बाकी डिपेंड करता है आप कितना फॉलो करते हो, एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करते हो, मेरा जितना काम था मैंने किया, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर कर देना, और हाँ मैंने एक आपसे एक आपके लिए क्वेश्चन है, ज़रा कमेंट करके आप बताना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, बिना कहीं से चीट किए मैंने ये पहले आपको बता रखा है, ठीक है, पिछले जीके वाले में वीडियो में मैंने बताया था, ज़रा ये आप बताना बिना चीट किए, कमेंट में अभी लिखो कि किस देश का जो है राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।